ये जो साहब बंदगी है ये कबीर पंथ का एक अभिवादन है और बड़ा ही सुंदर अभिवादन है। इस अभिवादन में जब हम बंदगी अर्थात बंधन करना, हम बंधन करते हैं तो किसी व्यक्ति को नहीं करते हैं। ये घट घट में विराजमान जो साहब है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, कबीरपंथी लोग उनको साहब कहते हैं, तो घट घट में जो साहब विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, हम उनको वंदन करते हैं। इसलिए आप देखेंगे साहब की वाणी भी है, साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी का पत्ता तो हरा होता है, पत्ता देखने पर उसके अंदर छुपी हुई लाली नजर नहीं आती, लेकिन मेहंदी के हर पत्ते में लाली छुपी होती है। ठीक उसी प्रकार हर प्राणी के अंदर वह परमात्मा वह साहब विराजमान है, भले ही इस चर्म चक्षु से नजर ना आते हो, लेकिन साहब जो है, परमात्मा जो है, हर घट में विराजमान है। तो हम कबीरपंथी लोग जिसे भी हम हाथ जोड़कर बंदगी करते हैं तो उसके भीतर बैठे हुए साहब को, परमात्मा को हम बंधन करते हैं, बंदगी करते हैं। इसलिए आप देखेंगे एक छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा भी हमारे पंथ के किसी बुजुर्ग संत महात्मा को हाथ जोड़कर बंदगी करता है तो प्रतिउत्तर में वो बुजुर्ग संत महात्मा भी उस छोटे से बच्चे को हाथ जोड़कर साहेब बंदगी बोलते हैं, क्योंकि वो परमात्मा वो साहब उस बच्चे के घट में भी विराजमान है। तो ये इतना सामंजस्य स्थापित कर देता है, सारे भेदभावों को मिटा देता है।